हेलो फिनाइक व्यूअर्स। सो आप लोग कैसे हो? वैसे जिस तरीके से IPO एक के बाद एक आ रहा है, उस तरीके से अगर देखे तो हर एक IPO का रिव्यू देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपना काम भी करता हूँ, मेरा ऑफिस वर्क भी रहता है। उसको कंप्लीट करने के बाद जितना टाइम मिलता है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो सब IPOs के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं एनालिसिस वीडियो नहीं बना सकता, बट ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लिस्टिंग गेन और क्या फ्यूचर में इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं, मेरा ओपिनियंस मैं शॉर्ट वीडियो में बना सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। सो शुरू करने से पहले आपके लिए एक शानदार सा वीडियो है, जो कि एक मतलब क्या बोलो, एक छोटा सा मीम है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मार्केट पे लगातार नए एक के बाद एक IPOs आ रहे हैं, सो प्लीज़ वॉच दिस। एक पैर कौन रह गया? सो आपने वीडियो देखा, वैसा ऐसा ही हाल है अभी मार्केट का, एक के बाद एक IPO आ रहा है। सो बेसिकली शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको नुबो को विस्तार के बिज़नेस के बारे में बता दूं। सो ये IPO ला रहा है बेसिकली कुछ स्टेक्स रिड्यूस कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स, और ये कंपनी कुछ ऑफर फॉर सेल भी रखा है 1500 करोड़ के आसपास, जो कि अपने डेट को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट पर्पज़ पर थोड़ा सा है। सो बेसिकली ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट है इस बिज़नेस पे, सीमेंट सेक्टर में, और इंडिया का जो ईस्ट पार्ट है, ईस्ट इंडिया की तरफ से ये डोमिनेट करता है मार्केट को, और अपना बिज़नेस को, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता है फ्यूचर के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। सो अगर फ्यूचर की बात करें इस सेक्टर का, तो बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है। गवर्नमेंट देख रहा है चाइना USA के जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हमारा देश को डेवलप करना, अगर देश को डेवलप करना है तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, बहुत सारा चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंस है वो है सीमेंट, और ये इसी सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अभी के ज़माने में अगर देखें तो डिपेंडेंसी चाइना से घटाना चाहता है, और ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से ज़्यादा अपने यहाँ पर ही अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अभी, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने के लिए भी, कुछ भी बनाने के लिए सीमेंट लगेगा, और ये उसी सेक्टर से, तो इसका ग्रोथ बहुत हाई है। ये सिर्फ सीमेंट नहीं बनाते, बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनाते हैं, जो कि इसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब अभी एक और ट्रेंड चल रहा है कि अपना खुद का घर बनाओ, सो जितना ज़्यादा घर बनेगा उस पर भी सीमेंट लगेगा, सो अच्छी बात है। लेकिन इसका अगर कंपनी का अगर डिटेल्स में अगर फाइनेंशियल्स चेक करें तो बहुत ही एवरेज है, कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के ऊपर से। ऊपर से रिस्क की बात करें तो फाइनेंशियल एवरेज सेकेंड है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्केट, जिस तरीके का इंडियन मार्केट है वो अच्छा है, लेकिन कॉम्पिटिशन उससे भी ख़तरनाक है। अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC सब अपने मार्केट पे एक एक लीडर है। सो इनसे कॉम्पिटिशन करके मार्केट को जीतना, मार्केट पे एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल है इस कंपनी के लिए। थर्ड रिस्क, जो कि जिस तरीके का डेट है इस कंपनी के पास, वो रिड्यूस तो अभी कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में डेट को कितना रिड्यूस कर पाए और बिज़नेस को कितना एक्सपेंड कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। और मतलब रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं देखा कंपनी का, जो एक नेगेटिव पॉइंट्स है। बेसिकली कंपनी अच्छा है, डिसेंट सा कंपनी है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर लिस्टिंग गेन का उम्मीद रख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ खास लिस्टिंग गेन यहाँ से नहीं मिलने वाला है। और रीज़न है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 40 का है, मतलब 7 के आसपास आ रहा है, इसके अगर वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो कुछ 7 या 8 का, 8% का, सो कुछ ज़्यादा नहीं। और अगर हम वहीं पे कार्टलेज की बात करें तो कार्टलेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40% से ज़्यादा है, मतलब इसमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, और ये शायद आपके लिए अच्छा होगा। और आप जिस तरीके का स्टॉक चाहते हैं ये वही है कि लिस्टिंग गेन अच्छा मिल जाए। और ऊपर से अगर बात करें लाइक आपका लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिल जाए और कंपनी भी अच्छा हो, तो ये एक वैल्यू फॉर मनी है। मतलब अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखें तो इसका पी कुछ अराउंड 77 उसके आसपास आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इन द सेंस कि फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत हाई होने वाला है,
अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भरा दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ऊपर से जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ेगा, कंपनीज़ अपने नए तरीके से इन्वेस्ट करने का कोशिश करेगा। ऊपर से अगर देखें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है, आप सोचिए। जितना ज़्यादा स्टोर्स ओपन करना पड़ रहा है, उतना ज़्यादा क्लाइंट्स एक्वायर करना पड़ रहा है, अपने इम्प्लॉयज़ बढ़ाना पड़ रहा है, वहाँ पर उस स्टोर को मैनेज करने के लिए, उस स्टोर को देखने के लिए, उस स्टोर के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है। यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो सब कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। सो कॉस्ट रिड्यूस के मामले में अगर देखें तो बहुत अच्छा है ये प्लेटफॉर्म आपको लगेगा। ऊपर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटल जब बनेगा, लोगों के पास टाइम होना भी कम हो जाएगा। फ्यूचर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि कुछ भी चेक करने के लिए वो जाके देखे, चला के सही है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। फ्यूचर इतना ज़्यादा डिजिटल होने वाला है, आपके पास आएगा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ही रखेंगे। और ये सेक्टर्स मतलब जंप तो करेगा। ऊपर से सबसे अच्छी बात कार्ट्रेज का है कि ये नॉट ओनली कार्स बाइक बेचते हैं, ये उसके जितने वैल्यू एडेड सर्विसेज सबके सब प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइक फाइनेंस स्कीम्स, सब के सब। ऊपर से श्रीराम ऑटो मॉल्स जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप किसी भी बैंक या फिर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंपनीज जो अपने कार्स फाइनेंस पे देते हैं, सो वो उसका कार अगर रिटर्न आ जाता है, कोई ईएमआई भर नहीं पाता है, तो उस कार को यहाँ पर ऑक्शनिंग करके भी मतलब उस बैंक या फिर उसको भी फ़ायदा मिलता है, अच्छा वैल्यू पर उसका वो कार बेच देते हैं वो लोग। और ऊपर से ये जो कंपनी है, इनको भी फीस एंड चार्जेस मिलता है, जिसके मदद से इनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ से मिलता है। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है। और रीजंस क्या है कि ऑफलाइन अगर कार को पहुँचाना हो, आना हो, सो इसके लिए एक ऑफलाइन स्टोर भी ओपन किया है, जो 140 के आसपास ऑफलाइन स्टोर है और बहुत सारे सिटीज़ में काम करते हैं, जो कि अच्छी बात है। और टेक्नोलॉजी का दुनिया में ज़्यादा सिटी एक्सपेंड करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ ऐड करना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, बस हो गया काम। वहाँ से ऑर्डर आया तो उसी कंपनी को आप भेज दो, वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर भेज देगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपने लीड्स दिया, सो ये कस्टमर आपका है बेसिकली। सो ऐसे करके बिजनेस बहुत आगे बढ़ने वाला है, और फ्यूचर में ये लोग बहुत कमाएंगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। अभी से अगर आपको यकीन नहीं है तो आप समझ लीजिए, इस तरीके का बिज़नेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने करके रखा है, सो उसी तरीके का फ्यूचर होने वाला है। लेकिन ये मार्केट है यार, इस पे कुछ भी गारंटी नहीं कर सकते हैं। सो फ्यूचर में मैंने जिस तरीके एक्सपेक्टेशन किया है वो गलत भी हो सकता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे माने तो मैं करने वाला हूँ, आप अपना सोचिए उसके बाद ही कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लिस्टिंग गेन अगर आप उम्मीद रख रहे हैं तो इसी स्टॉक्स पर रखिए। अभी तक इसका IPO फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर अंडर सब्सक्राइब रह गया तो अच्छी बात है, लेकिन रहने नहीं वाला है। आज सब ने देखा कि किस तरीके का ऑर्डर आ रहा है, किस तरीके का अप्लाई हो रहा है इस IPO में, उसके बाद कल तहलका मचेगा। लेकिन उस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं, होप कल अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। सो अगर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपका क्वेश्चन का आंसर करना। और अब ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जितना चाहे उतना प्यार दीजिए। सो थैंक यू, और कमेंट करके जरूर बताइए कौन से IPO आप अप्लाई करने वाले हैं, ये मत भूलना, क्योंकि मैं भी जानूँ कि आप कौन से IPO आपको अच्छा लगा। ऊपर से दो और IPO आ रहे हैं, उनके रिव्यूज़ मैं कर दूँगा 2-3 दिनों के अंदर ही। थैंक यू गाइज़।